नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम शतक का। रुख करते हैं 100 बड़ी खबरों की ओर। राहुल गांधी के मार्शल आर्ट सिखाने वाले वीडियो पर बीजेपी नेता का तंज, कहा हम आपके बिना क्या करेंगे। सीए को लेकर ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी की खुली चुनौती, लागू करने से रोक कर तो दिखाएं। गरीब कैदियों के बारे में कहकर भावुक हुई राष्ट्रपति मुर्मू, ये कैसा विकास और जेल बनाने की क्या जरूरत है। बीजेपी के घोषणा पत्र पर आपका रिएक्शन, कहा बीजेपी गुजरात में कभी समान नागरिक संहिता लागू नहीं करेगी। सतेंद्र जैन का जेल में एक और सीसीटीवी फुटेज आया सामने, नए वीडियो में जेल रूम की हो रही सफाई। स्वाति मालीवाल के बाद बाबा रामदेव पर भड़की महुआ मोइत्रा, बोली अब पता चला सलवार सूट में क्यों भागे थे। केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने रबी सीजन को किया बड़ा बयान, बोले रबी सीजन से बंपर उत्पादन की उम्मीद। वीआईपी के नेता मुकेश सहनी ने कुंडली में किया रोड शो, बोले वीआईपी से किसी का कोई मुकाबला नहीं। किरण रिजिजू ने लंबित मामलों पर जताई चिंता, बोले निचली अदालतों में कदम उठाने की जरूरत। G20 में अमिताभ कांत ने विदेशी प्रतिनिधियों को किया संबोधित, बोले भारत चाहता है सुधारवादी और सक्रिय भूमिका। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान, बोले दिल्ली में छोटे छोटे बाट बन गए हैं पाकिस्तान, हम गाड़ेंगे तिरंगा। गुजरात में चुनाव ड्यूटी पर तैनात जवान की झड़प, AK-47 से फायरिंग में दो की मौत, दो घायल, पोरबंदर में शनिवार को चुनाव। गुजरात आप चीफ बोले बीजेपी के पथराव से बच्चा घायल, भाजपा पर लगाया आरोप, बोले 27 साल में कुछ नहीं किया। तिहाड़ की जेल नंबर 4 में आफताब, वहां दूसरा कैदी नहीं, पुलिस की मौजूदगी में दिया जाएगा खाना, 24 घंटे निगरानी। रामदेव के विवादित बोल, बोले महिलाएं साड़ी या सलवार सूट में अच्छी लगती हैं, मेरी तरह कुछ ना पहने तो भी अच्छी लगती हैं। गाजियाबाद में बृजेश पाठक बोले मरीज का अच्छे से इलाज करना, डॉक्टर ने उसे घर भेजा, कहा हल्दी घी लगाओ। बेटे बहू और पोती को खोने वाले बुजुर्ग का दर्द, बोले मैं बदकिस्मत बाप हूं, मुजफ्फरनगर में कार पर ट्रक पलटने से हुआ हादसा। बहत्तर घंटे में बुझेगी 1600 डिग्री वाली भट्टी की आग, पुलिस ढूंढेगी मैनेजर की अस्थियां, पत्नी बोली फैक्ट्री मालिक से झगड़ा हुआ था। प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, यूपी के बदायूं में गुजरात एटीएस का एक्शन।
गाजियाबाद में कक्षा 8वीं की छात्रा से दुष्कर्म, घर पर अकेली थी लड़की, घुमाने के बहाने जंगल ले गया पड़ोसी युवक। नौ दिसंबर से शुरू होगा यूपी का वैश्विक दौरा, मंत्री नंदी बोले आईजीएस के जरिए वैश्विक निवेश का केंद्र बनाने जा रहा उत्तर प्रदेश। कानपुर जू में जुगाड़ की टॉय ट्रेन से ली जान, बस के इंजन में सीएनजी फिट कर ट्रेन दौड़ा रहे थे। बरेली में छात्रा का अश्लील फोटो इंस्टाग्राम पर अपलोड किया, पीड़िता ने पुलिस से लगाई गुहार कि मुझे बदनाम किया जा रहा। गैंगस्टर्स की गिरफ्तारी में बदायूं पिछड़ा, पुलिस ने सिर्फ 24 गैंगस्टर पकड़े, शाहजहांपुर पूरे जोन में फिसड्डी। अमरोहा में बोलोरो को जेसीबी ने मारी टक्कर, चालक की मौके पर हुई मौत, गंभीर हालत में आबकारी इंस्पेक्टर मुरादाबाद रेफर। गौतम बुद्ध नगर में 13 निरीक्षक और उप निरीक्षक के तबादले, कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए पुलिस कमिश्नर ने किया फेरबदल। दरवाजे पर करंट लगने से चोर की मौत, वाराणसी के एक पॉपुलर रूम में चोरी करने जा रहा था, पूरी रात दरवाजे से चिपका रहा। बागपत में घर में घुसकर मारपीट करने वाले 8 गिरफ्तार, धारदार हथियार से किया था हमला, जान से मारने की दी थी धमकी। कानपुर में लेखपाल के बच्चों के अपहरण की कोशिश, मां ने बदमाशों से भिड़कर बचाया, शोर मचाने पर भागे असलाहधारी 4 लोग। अपर पुलिस अधीक्षक ने बागपत बाजार में किया पैदल गश्त, बाजार में चलाया सघन चेकिंग अभियान। रामपुर में कलेक्ट्रेट के बाहर अनशन पर बैठा परिवार, आचार संहिता लागू होने के बावजूद पीड़ित परिवार ने बिछाई दरी। गाजियाबाद के स्लम एरिया में आग से 15 झोपड़ी जली, इलाके में आसपास में उठता रहा आग का गुबार, इलाके में मची अफरा तफरी। गोंडा नगर निकाय चुनाव, भाजपा किसान मोर्चा की बैठक, मुझे हाना को पहली बार नगर पंचायत का मिला दर्जा। सहारनपुर में दिल निकलते ही पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, सेंट्रो कार में गाय काट कर ले जा रहे थे गौ तस्कर। आगरा में पूनम हत्याकांड की इनसाइड स्टोरी, भाई से चल रहा था प्रॉपर्टी का विवाद। कुशीनगर में समाज कल्याण के स्कूलों का नहीं हुआ कल्याण, डाट पट्टी पर बैठकर पढ़ते हैं बच्चे, पीने के पानी का नहीं इंतजाम। शामली में हर सीट पर निकाय चुनाव लड़ेगी आप, नाम घोषित होने से पहले पार्टी की जीत में लगे उम्मीदवार। किशोरी की हत्या और आत्महत्या के बीच उलझी पुलिस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैगिंग से मौत की पुष्टि। केशव के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज, आरटीआई दिवाकर त्रिपाठी ने वापस लिया डिप्टी सीएम के खिलाफ फर्जी डिग्री का केस। मंदिर का तोड़कर मूर्तियां चोरी, भगवान श्रीराम सीता और लक्ष्मण की अष्टधातु की मूर्तियां ले गए चोर, पूछताछ में जुटी पुलिस।
बुलंदशहर में गद्दे की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग ने विकराल रूप, मौके पर कई दमकल की गाड़ियां मौजूद। हमीरपुर में दबंगों ने गरीब के मुंह में फेंकी खौलती चाय, चाय के पैसे मांगने पर फेंकी चाय, दुकानदार का चेहरा पूरी तरह से झुलसा। कानपुर में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, आग लगने के बाद क्षेत्रीय लोग हुए जमा, सैकड़ों लोग आग बुझाने में लगे। लखनऊ में आग का कहर लगातार जारी, अलीगंज के नवीन फल मंडी में एक दर्जन से ज्यादा दुकानों में लगी भीषण आग। अलीगढ़ में ऑटो चालक यूनियन ने नवागत अपर नगर आयुक्त का फूलमाला पहनाकर किया स्वागत, ऑटो स्टैंड बनाने की मांग। उत्तराखंड के हरिद्वार में स्कूल में गंदी हरकत करता था शिक्षक, छात्रा ने प्रधानाचार्य से की शिकायत, सामने आया काला सच। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 29 से होगा शुरू, सदन के भीतर और बाहर सरकार पर प्रहार करेगी कांग्रेस। उत्तराखंड में अभी बारिश बर्फबारी की संभावना नहीं, 30 नवंबर के बाद करवट ले सकता है मौसम। राहुल गांधी को लेकर टिप्पणी पर हरीश रावत और करण मेहरा का पलटवार, कहा संत महात्मा पीर फकीर सब रखते हैं दाढ़ी। उत्तराखंड के देहरादून में मांगों को लेकर सड़कों पर किसान, महापंचायत में उठाई आवाज, राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। बद्रीनाथ धाम में शीतकाल में 12 साधु करेंगे तपस्या, मान्यता है कि भगवान नारायण आज भी हैं यहाँ। उत्तराखंड के देहरादून में साइलेंसर से पटाखों की आवाज करने वालों पर पुलिस की कार्रवाई। उत्तराखंड में 6 करोड़ निकली भर्ती घोटाले की सरगना, हाकम की संपत्ति कुर्क के लिए एसटीएफ ने डीएम को भेजी रिपोर्ट। उत्तराखंड के रामनगर में हैरान करने वाला मामला, पतरामपुर रेंज के रेंजर के बेटे ने की आत्महत्या, घर में फंदे से लटकता मिला शव। उत्तराखंड में चाकू से 52 वार कर सहकर्मी को उतार दिया मौत के घाट, जिला कोर्ट में खारिज की जमानत याचिका। उत्तराखंड में पूर्व विधायकों को 40,000 पेंशन की पड़ रही कम, राज्य हित के बहाने स्वाहित साधने को बनाया प्रेशर ग्रुप। उत्तराखंड की तस्वीर बदलेंगे चिंतन शिविर से निकले 16 प्रमुख मंत्र, कैबिनेट में लाया जाएगा प्रस्ताव। उत्तराखंड में सड़कों के साथ अब रोपवे कनेक्टिविटी चाहता है पहाड़, विधायकों ने प्रस्ताव सीएम को भेजे। उत्तराखंड में विधानसभा स्पीकर ऋतु 01 को झेलना पड़ा आक्रोश, प्रदर्शनकारियों से बचाकर दूसरे रास्ते से ले गई पुलिस। उत्तराखंड में अब हर वर्ष 1 अप्रैल को बढ़ जाएगा यात्री किराया और माल भाड़ा, सैद्धांतिक मंजूरी मिली। इटली के आइसलैंड में भूस्खलन, लोग बोले भारी बारिश के बीच तेज गर्जन सुनाई दी और सब तबाह हो गया।
चीन में उठी शी जिनपिंग को हटाने की मांग, आग से 10 लोगों की मौत के बाद कोविड-19 नियमों के खिलाफ प्रदर्शन। छब्बीस ग्यारह आतंकी हमले के विरोध में यूएस जापान में प्रदर्शन, पाकिस्तानी असेंबली के बाहर लोगों ने नारेबाजी की, आतंक को कैंसर जैसा बताया। दूसरी बार अपनी बेटी के साथ दिखा उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन, सामने आई तस्वीरें। हिंद महासागर में धाक जमाने की फिराक में चीन, भारत की गैर मौजूदगी में 19 देशों के साथ की बैठक। इमरान खान का बड़ा बयान, बोले मौजूदा सिस्टम में नहीं रहूंगा, सभी असेंबली से इस्तीफा दूंगा, सभी सीएम। सोमालिया के मेगादिशु में मिलिट्री की एयर स्ट्राइक, अल शबाब के 100 आतंकी ढेर। दुनिया को डरा रहा किम जोंग उन, उत्तर कोरिया को सबसे खतरनाक परमाणु शक्ति बनाने का रखा लक्ष्य। बाइडेन ने अमेरिका में की खरीदारी, क्रिसमस ट्री को लाइट से सजाने के वार्षिक कार्यक्रम में लिया भाग। चीन में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटे में 39,791 लोग हुए पॉजिटिव। ऑनलाइन मर्चेंट्स को नहीं जोड़ सकेगा पेटीएम, आरबीआई ने रोक लगाई, कंपनी से कहा बिजनेस पर कोई असर नहीं होगा। दो दिन में अमेजॉन का दूसरा बड़ा फैसला, एडटेक के बाद अब इंडिया में अपना फूड डिलीवरी बिजनेस बंद करेगी कंपनी। एक दिसंबर से महंगी होगी हीरो की गाड़ियां, गाड़ियों के दाम 1500 रुपए तक बढ़ेंगे। ईडी ने अर्चना नाग की पूर्व सहयोगी से दूसरी बार की पूछताछ, जबरन वसूली का है मामला। अमेज़न ने छटनी की खतरों को गलत बताया, कंपनी बोली अपनी मर्जी से कुछ लोगों ने छोड़ी नौकरी। गौतम अडानी का बयान, बोले सरकार सही है तो उसे भी सामने लाना चाहिए, वैश्विक मीडिया संगठन बनाने की होगी कोशिश। दो प्राइवेट सेक्टर बैंक ने अपने एफडी रेट्स में किया इजाफा, मिल रहा 7.55% का रिटर्न। सत्रह दिसंबर को होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक, किसानों और ऑनलाइन गेमिंग पर होगा फैसला। ट्रेड यूनियन ने वित्त मंत्री को लिखे पत्र में प्री बजट मीटिंग को बताया मजाक, वीडियो कॉन्फ्रेंस में नहीं लेंगे हिस्सा। एलन मस्क का बड़ा बयान, बोले जरूरत पड़ने पर अपना स्मार्टफोन भी लॉन्च करने के लिए तैयार। कोहली के पोस्ट से घबराए फैंस, पाक के खिलाफ वर्ल्ड कप पारी को याद किया, लोगों ने पूछा रिटायर तो नहीं हो रहे। यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीयों का दबदबा, विश्वनाथ 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज भी मिले।
मैक्सिको के खिलाफ गोल कर मेसी ने रचा इतिहास, डिएगो की बराबरी की। दूसरा वनडे बारिश के कारण रद्द, भारत ने 12.5 ओवर में बनाए थे 1 विकेट पर 79 रन, तीसरा मैच बुधवार को। बादशाह के गाने ने काला चश्मा पर धोनी, पांड्या ने किया जमकर डांस, वायरल हो रहा वीडियो। फुटबॉल वर्ल्ड कप, मेसी के गोल से जीता अर्जेंटीना, मैक्सिको को 2-0 से हराया। एम्बापे के डबल गोल से जीता डिफेंडिंग चैंपियन, आखिरी मिनटों में डेनमार्क को हराया। अर्जेंटीना को हराने वाला सऊदी अरब हारा, पहला वर्ल्ड कप गोल दागते ही इंटरनेशनल हुए पोलैंड के कप्तान। बारह साल बाद वर्ल्ड कप में जीता ऑस्ट्रेलिया, मिचेल ड्यूक ने दागा गोल। आखिरी मिनट में गोल खाकर हारा भारत, ऑस्ट्रेलिया ने पहले हॉकी मैच में 5-4 से हराया। हंसिका ने ग्रीस में सेलिब्रेट की बैचलर पार्टी, दोस्तों के साथ किया जमकर डांस, वीडियो शेयर कर लिखा बेस्ट बैचलर्स एवर। म्यूजिक बजाकर मामू घर का माहौल शांत रखते हैं, नाव्या नवेली का मामा अभिषेक को लेकर नया खुलासा। फिर साथ नजर आ सकते हैं अक्षय और मानुषी झिल्लर, बड़े मियां छोटे मियां फिल्म के लिए सामने आया नाम। श्रीराम जन्मभूमि पर बनेगी सीरीज, अमिताभ बच्चन दे सकते हैं आवाज, अगले साल दूरदर्शन पर होगी रिलीज। फिल्म भेड़िया की धीमी शुरुआत, 6.5 करोड़ रहा फर्स्ट डे कलेक्शन, सातवें दिन भी दृश्यम 2 की नहीं थमी रफ्तार। आयरा ने शेयर की होने वाली सासू मां की तस्वीरें, कहा मुझे उम्मीद है कि मेरी सोल आपकी तरह आजाद रहेगी। ऑल ब्लैक लुक में दिखी रश्मिका मंदाना, शहनाज गिल मृणाल ठाकुर से लेकर मुंबई एयरपोर्ट पर दिखे सेलेब्स। पंचतत्व में विलीन हुए एक्टर विक्रम गोखले, पुणे के बैकुंठ शमशान में हुआ अंतिम संस्कार। ब्लर फिल्म का टीजर रिलीज हुआ, सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर है तापसी पन्नू की फिल्म, 9 दिसंबर को होगी रिलीज। जैकलीन नहीं सुकेश करना चाहता था शादी, जैकलीन के वकील ने कहा पिंकी ईरानी के जरिए सुकेश उनकी हर लोकेशन पर नजर रखता था। प्राइम शतक में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। Oh,